सरप्राइजिंगली एक टॉपिक को स्किप करके हम लोग डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं, इंटीग्रेशन। और वो टॉपिक जो स्किप किया है वो क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई बहुत बड़ा फंक्शन टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस अभी इच्छा नहीं हो रही कराने की उसे, बाद में भी कर लेंगे तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, वो ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना। हमें आज शुरू करना है इंटीग्रेशन। सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग इसके करोगे उतनी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन जो है ना हमारा, होता क्या है इंटीग्रेशन का मतलब, इसको हम लोग कभी कभी एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी डेरिवेटिव का उल्टा। यानी अगर डिफरेंशिएशन हमको पता है तो इंटीग्रेशन उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन क्या होता था? हाँ, अगर शब्दों में कहूं बयां करो तो डिफरेंशिएशन को कैसे बताओगे? क्या 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 करके रहते डिफरेंशिएशन में आप लोग? छोटे से पार्ट को ढूंढना, छोटे से छोटे पार्ट करना। जैसे ये पेन है, अगर हम इसके छोटे 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 पीसेस कर दें, यानी हम इस पेन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और वापिस से उन्हीं पीसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो उन्हें इंटीग्रेशन कहते हैं। इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का तो उल्टा ही काम हो गया ना इसमें, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया ये। एंटी डेरिवेटिव कह लो इसे, या फिर आप इसे प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। ये किसी भी नाम से मिल सकता है, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है जी। एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्या मतलब लग रहा है आपको? इनडेफिनेट और डेफिनेट में कोई अंतर मालूम है? इंटीग्रल्स की बात नहीं कर रहा मैं, केवल डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात कर रहा हूं। ये इनडेफिनेट डेफिनेट की बात, इनडेफिनेट के ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता ना एंडिंग पॉइंट पता। इनडेफिनेट कितना भी हो सकता है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती इनडेफिनेट का मतलब। और डेफिनेट यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमको पता हो, हमें पता हो कि कहां से कहां तक जाना है या फिर कितनी वैल्यू ऐड करनी है, वो होती है डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर हमको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स यानी इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन में एडिशन करना आ गया, इंटीग्रेशन यानी एडिशन करना आ गया, तो हम डेफिनेट वाला कर पाएंगे। अब दोनों का एग्जाम्पल बताओ अगर, देखो इनडेफिनेट में क्योंकि हमें पता नहीं है कहां तक जाना है, तो केवल इंटीग्रल होता है एफ एक्स और डी एक्स। जैसे डेरिवेटिव में हम लोग डी अपॉन डी एक्स लिखते थे और फिर बोलते थे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये विद रेस्पेक्ट टू वाली चीज ना डेरिवेटिव में अपॉन में हुआ करती थी, तो इंटीग्रेशन में वो विद रेस्पेक्ट टू वाली चीज ना मल्टीप्लाई में होती है। ओके, ये अंतर है दोनों में। अच्छा, इनडेफिनेट में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं पता, लेकिन डेफिनेट में जब वही चीज लिखी जाती है ना, जब ऐसे लिखा जाता है, और इसका इस्तेमाल फिजिक्स में आप लोग बहुत कर चुके हो, 11th से कर रहे हो, बल्कि करंट कैरिंग वायर में, पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, क्या निकालते हो उसके आसपास, छोटा सा एलिमेंट डीएल लेते हो उस वायर के ऊपर, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हो तो पूरे वायर का निकल आता है वो, ऐसा भी होता है ना। तो ये ए से बी के, देखो इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। यहां से यहां तक हमको सम करना है, ये मतलब हुआ ना इसका, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको ये वाला इंटीग्रेशन आ गया, ये वाला, तो फिर इस वाले को सीखने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हमको इसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आएंगी और बस। दो क्वेश्चन आते आते हैं एग्जाम में, एक इसका और एक इसका। लेकिन अब अगर बच्चे सोचें कि केवल इसके एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा चैप्टर करा जाए, हाँ एक इसका और एक इसका, लेकिन बात तो सुन, पूरी बात सुन तभी तो। अगर बच्चे सोचे कि केवल इसके एक क्वेश्चन के लिए हम महीने भर या 1.5 महीने तक प्रैक्टिस करें इस चीज की, तो सच था छोड़ दे कि क्वेश्चन तो आना है। लेकिन समस्या ये है, इस इंटीग्रेशन के अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको क्वेश्चन कैसे करोगे अगर ये नहीं आता होगा तो। उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं, ये नहीं आता होगा तो वो कैसे होगा। यानी कुल मिला के अगर हमें ये चैप्टर नहीं आता तो ना तो होगा ये वाला डेफिनेट वाला, ना होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और ना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिला के हमें एक चीज छोड़ने का मतलब है,
तीन चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे फिर हमको, इस अकेले को छोड़ दिया तो तीन चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे, और वो तीन चैप्टर मिला के 80 में से कम 15-20 मार्क्स तो मान लो गए। तो अब ये डिसाइड तुम करो कि इसे छोड़ना चाहिए कि नहीं। प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसका एक ही मिलेगा, लेकिन इसकी मदद से जो ये होगा और वो दो चैप्टर होंगे उसकी गिनती तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए इसको करना जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है। इंटीग्रेशन के आपको अलग अलग फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, आपको अपने तरीके हैं इसके करने के। तरीके मतलब जैसे डेरिवेटिव में दो चीजें मल्टीप्लाई मिली प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिवाइड में मिली क्वोशेंट रूल लगा लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चेन रूल लगा लो, था ना वहां पर। यहाँ पर कुछ नहीं है, ना तो प्रोडक्ट रूल, ना क्वोशेंट रूल और ना चेन रूल। यहाँ पर हर चीज का एक पुराना तरीका है सिंप्लीफिकेशन का। और वो पुराना तरीका क्या कि ना हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं तुम्हें, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हम जानते हैं क्या हुआ करता था, कॉस एक्स। तो अगर हम, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इंटीग्रल है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, अगर हम इस डेरिवेटिव को ना करें डेरिवेटिव और डी बाई डी एक्स को उस तरफ भेज दें तो इधर आके वो बन जाएगा इंटीग्रल। जैसे डिवाइड यहाँ आके मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, ऐसे ये वाली वैल्यू इधर आके क्या बन जाएगी, इंटीग्रल। और अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रल करें तो उसकी वैल्यू यही आएगी साइन एक्स। बात समझ में आ रही है? अब बताओ कितने फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्री वाले, 6। अच्छे इनवर्स वाले 12 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पहले से पता है, मतलब 12 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पहले से पता है जो कि केवल ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हैं। इसके अलावा e की पावर x, x की पावर n, a की पावर x, log x, ये सब भी तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता है। इन सब के भी अगर डेरिवेटिव को इधर भेज दें तो इंटीग्रल बन जाएंगे, तो उन सब के इंटीग्रल की वैल्यू भी हमको पता है। यानी हम शुरुआत में इस डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल के कोई नए फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, आज हम शुरुआत में केवल और केवल वो फॉर्मूले देखेंगे जो हमने पहले डेरिवेटिव में देखे हुए थे और उनको इंटीग्रेशन में कैसे इस्तेमाल करना है। बात करें उसकी, ठीक है। सबसे पहला आपके सामने है ये, अगला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इनके लिखते पहले। हाँ भाई, यहां पे क्या हुआ करता था, माइनस का साइन एक्स। तो अगर मैं इस डिवाइड को यहां लाऊं तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये माइनस कहां जाएगा फिर, माइनस का कॉस एक्स। ऐसे ये यहां गया तो टेन एक्स का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर मैं इसको यहां भेज दू इंटीग्रल तो क्या होगा, टेन एक्स। तो यहां पर लिख के दिखा दूं तुम्हें, ऐसी ये डिवाइड इसी जगह कॉसेक्स बन जाएगा, तो कैसे इंटीग्रल के साथ, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक्स हमारा क्या आएगा, केवल साइन एक्स। ये प्लस का सी एडिशनल है, बताता हूं क्या। तो अगर इसको करें तो साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का प्लस सी। अच्छा, कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सही है, दो बच गए ना, उन्हें भी लिख देते हैं, उनको डायरेक्ट लिख दूं, कौन सा आएगा अगला नंबर इसके बाद होता है सेक का, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा जी सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या आना चाहिए, प्लस सी। उसके बाद यहां पे कौन सा नंबर आता था कॉट के बाद, कोसेक, सेक और कोसेक, कोसेक का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहां पर आएगा किसका, कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये छह फॉर्मूले, तो ये छह वो फॉर्मूले हैं जिनको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पुराने ही है। लेकिन 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 जैसे डेरिवेटिव में एक सीक्वेंस था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इंटीग्रल में देखो सीक्वेंस नहीं मिला आपको, साइन कॉस साइन तो मिल गए लेकिन टेन कॉट नहीं मिले और सेक कोसेक नहीं मिले, इन दोनों के स्क्वायर मिले हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई वाली वैल्यू मिली है। जबकि होना क्या चाहिए था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के इंटीग्रल तो मिलने चाहिए थे,
वो मिलेंगे, अभी नहीं, क्योंकि हम अभी केवल क्या कर रहे हैं, हम तो डेरिवेटिव के फॉर्मूला से जो इंटीग्रल के फॉर्मूले बनने वाले हैं उन्हें देख रहे हैं बस। अभी उनका नंबर भी आएगा, उन सबके फॉर्मूले भी मिलेंगे हमको, लेकिन ये डेरिवेटिव वालों से जो बन जाते हैं पहले उन्हें देख रहे हैं हम। अब मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या था, तो फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रल भी केवल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बताओ क्या था, ए की पावर एक्स लोगे। अब अगर आपसे कहूं ये डी बाई डी एक्स को इधर भेज दो, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, सोच के बोलना, इतनी देर में तो लिखी दूंगा मैं, लॉग एक्स का है, लॉग ए है, ये डी बाई डी एक्स यहां आएगा, तो जैसे माइनस इस तरफ भेज रहे थे इनका हम, माइनस को माइनस वन बोल सकते जो कि कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी तो कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव टू की पावर एक्स लॉग टू आया करता था, उसमें लॉग टू मल्टीप्लाई हुआ करता था, लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या करेंगे, टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स अपॉन लॉग टू करना पड़ेगा बस, वो वहां मल्टीप्लाई में आता था लॉग टू, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, और क्यों आता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, वो मल्टीप्लाई वाली चीज ही है होती जो डिवाइड में आती है अपने आप। तो ये दोनों फॉर्मुला में कोई अंतर नहीं मिला। अच्छा एक और फॉर्मूला है जो डेरिवेटिव का था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स था ना, तो फिर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होना चाहिए ना, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना कि वन अपॉन एक्स होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब ध्यान कैसे रहेगा, डेरिवेटिव से, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल वापिस से लॉग एक्स। अब एक फॉर्मूला बच गया था, कौन सा, एक्स की पावर एन वाला, यस। तो अगर यहां पर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो बताइए क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये था फॉर्मूला। ये देखो अगर मैं कहता हूं, जैसे उसमें हम डेरिवेटिव कर रहे थे, डेरिवेटिव का मतलब आपको बोला था मैंने छोटे छोटे पीसेस करना, तो कोई वैल्यू का डेरिवेटिव करते थे तो वैल्यू और छोटी हो जाया करती थी, तो x की पावर n का डेरिवेटिव करते थे, यानी x की पावर 5 का करते थे तो 5x की पावर 4 आता था, तो वैल्यू छोटी हो रही थी कि बड़ी हो रही थी, छोटी, पावर तो कम हो गई थी ना, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन में पावर देखो बढ़ रही है, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5 प्लस 1 यानी x की पावर 6 अपॉन 6 वैल्यू बढ़ गई ना, तो इंटीग्रेशन में हो रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इसका इंटीग्रल करके ये लिया है, तो इसका डेरिवेटिव है, सुनते रहोगे तो ये चेक करने का तरीका है, अगर इसका इंटीग्रेशन करके ये आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव करके ये आना चाहिए वापस, चेक करो जरा, इसका अगर डेरिवेटिव करो सी तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसका डेरिवेटिव के लिए एन प्लस वन नीचे जाएगा कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर एन मानोगे इसको क्या आएगा, एन प्लस वन आगे एक्स की पावर, अरे ये आना चाहिए बताओ, अगर मुझे मैंने नहीं सोच पा रहा तो लिख के देख लो इसका डेरिवेटिव, ये आना चाहिए केवल एक्स की पावर एन, अगर एक्स की पावर एन नहीं आया तो ये गलत है फिर, जितने भी हमने लिखे, हमने देखो इंटीग्रल के हमने ये लिखे हैं ना, इन सबके डेरिवेटिव के ये वाली वैल्यू मिलेंगी, वो तो जीरो हो जाएगा बार बार। अभी बताना भूल गया मैं, सी क्या थी, सी है ठीक है, लो आओ फॉर्मूले तो लो बोले सारे लिख दिया हमने ना। हाँ मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम इसके पीसेज करते हैं छोटे छोटे, इंटीग्रेशन में हम पीसेज करते हैं, डिफरेंशिएशन में करते हैं पीसेस, इंटीग्रेशन में तो ऐड करते हैं ना उन्हें, लेकिन मुझे बताओ जब हम उन छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर रहे होंगे, जब हम उन छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर रहे होंगे तो क्या ये पेन वापस वैसा का वैसा बन जाएगा, मैंने इसी के पीस करे पहले, वो हो गया डेरिवेटिव, फिर उन्हीं पीसेस को वापस से फेविकोल से किसी चीज से जोड़ दूं तो क्या ये पेन वापस वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा पहले था, चाह के भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा मान लो कि हमने मोटे मोटे पीसेस जोड़ दिए इसके अंदर, जो कुछ पार्टिकल्स या फिर रॉ मटेरियल, कुछ मटेरियल नीचे पड़ा रह गया होगा ना डस्ट टाइप की, वो चीजें कहलाती है कॉन्स्टेंट टर्म, इसके एग्जांपल में तो वो ठीक है, अगर पेन के पीस करे तो जो टुकड़े गिर गए वो डेरिवेटिव कर दिए हमने, लेकिन उन्हें वापिस सबको जोड़ दें तो जो नीचे पार्टिकल्स पड़े हुए रह गए होंगे वो कहले जाएंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स। और इसके केस में क्या होंगे कॉन्स्टेंट टर्म, वो मान लो किसी क्वेश्चन का आपने इंटीग्रेशन करा, किसी क्वेश्चन का आपने इंटीग्रेशन करा और वो कैसा आया, साइन एक्स आ गया, प्लस का वन और आ गया, यहां पर प्लस सीधा आप लगाओगे लगाओगे अपने आप, तो होगा क्या, आप जब आंसर मैच करोगे ना आपको आंसर में केवल साइन एक्स मिलेगा और सी मिलेगा, वो वन नहीं मिलेगा आंसर में,
क्योंकि वन भी तो एक कांस्टेंट है, तो वन क्या होगा इस वाले कांस्टेंट में आके एडअप हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको सी वन लिख दो, सी टू लिख दो, या केवल सी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आंसर ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी क्वेश्चन का इंडिकेशन करोगे तो उसके जब आंसर आएंगे तो वो सारे टर्म्स एक्स वाली फॉर्म में होंगी ना, वही मैच करेंगे आंसर में से। बस किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आई आंसर में आपके, लेकिन वो फिर आपको आंसर में मैच करने में मिलेगी नहीं। बहुत से बच्चे आप क्या है ना, बहुत से बच्चे पूछते हैं जब क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो नहीं शुरू में, लगभग 8-10 एक्सरसाइज के बाद कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म आएगी और फिर आप आंसर मैच करोगे और वो मैच नहीं होगा, आपके आंसर में कुछ चीजें फालतू मिल रही होंगी आपको। फिर आप आके मुझे कहोगे कि सर हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, फिर मैं ये कहूंगा कि देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे सी में ऐड कर दी होगी इसलिए नहीं मिल रही, फिर आ जाएगा ध्यान, हाँ हाँ आपने बताया था। तो ये बात तब भी ध्यान रखना, क्योंकि आंसर जब भी इंडिकेशन करोगे एक्स वाले टर्म्स तो आंसर में मिलेंगी, लेकिन ऐसी टर्म्स जो प्लस या माइनस में कॉन्स्टेंट पड़ी दिख रही होंगी आंसर में, वो आपको किताब में मैच करने पर नहीं मिलेंगी। ओके चल गया सी का मतलब, सी ये वो पार्टिकल्स हैं जो ऐड करते वक्त इसमें वापस नहीं ऐड अप हुए, तो सी वो सारे कांस्टेंट होंगे सी के अंदर जिनमें एक्स की वैल्यू कुछ नहीं होगी। ओके तो अब हम जरा एक दो क्वेश्चन देखें इन्हीं फॉर्मूलों पे जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, ये वाला इसे ध्यान रखो बस, तुम एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, जब हम इसका प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे ना इंटीग्रेशन का कम से कम 20 दिन बाद, है नहीं से मतलब इसलिए कहा मैंने, क्योंकि तो आप शुरू में क्वेश्चन मिलेगा इंटीग्रेशन का ना मल्टीप्लाई में, आप उसमें कहोगे प्रोडक्ट टू लगा लो तो नहीं मिलेगा आपको, जब तक 20 दिन हो जाएंगे करते करते या 15 दिन हो जाएंगे करते करते इंटीग्रेशन, तब तक आप मल्टीप्लाई वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने बेसिक जो आपके पास फंडामेंटल्स है ना उन्हीं से कर लिया करोगे मल्टीप्लाई वालों को। प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट टूल की जरूरत तब पड़ेगी जब वो बेसिक फंडामेंटल जो आपके है ना वो काम नहीं करेंगे, तब वो काम आएगा प्रोडक्ट टूल। लेकिन वो प्रोडक्ट टूल ऐसा है नहीं ना कि कहीं भी लगा लो उसे, उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, हटाया जाए इसे। क्वेश्चन देखते हैं एक है ना, मैंने आपसे कहा कि जो इंटीग्रेशन है हमारा उसे एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन मिले जिसमें इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स इकट्ठे लगे हुए मिल जाएं, या फिर d बाई डी एक्स पहले से लिखा हुआ हो ठीक है ना, और आपको बोले इंटीग्रेट करो उसे, d बाई डी एक्स पहले से लिखा हो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है पहले से, मान लो आपको बोले इंटीग्रेट करो, तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो एक इंटीग्रल इधर लगेगा एक इंटीग्रल इधर लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, इस तरफ वाला इंटीग्रल जहां पर d बाई डी एक्स लगा हुआ था वो d बाई डी एक्स और इंटीग्रल दोनों हट जाएंगे कट जाएंगे क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे के, वो हट जाएंगे और इस तरफ वाला इंटीग्रल बच जाएगा बस। ठीक है ऐसे क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं अभी, लेकिन अभी शुरुआत में वाला नहीं करते, शुरुआत में हम उन्हीं फॉर्मूले का क्वेश्चन करते हैं एक जो हमने अभी लिखे। देखिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमने लिखा 7 साइन एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर एक्स माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, मान लो ये एक क्वेश्चन लिखा मैंने, एक ही के अंदर चार क्वेश्चन बन गए, मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं इसका डेरिवेटिव करो तब भी तो आप इसका अलग करते इसका अलग करते इसका अलग करते इसका अलग करते इंडिकेशन सबका अलग अलग हो जाएगा, उसमें भी ये 7 डेरिवेटिव के टाइम बाहर निकलता था इंटीग्रेशन में बाहर निकलेगा, ये 8 बाहर निकलेगा, ये तो कुछ नहीं होता 4 की पावर एक्स तो वो 3 बाहर निकलेगा, बिल्कुल वैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन फुल डिटेल में, 7 बाहर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस 8 बाहर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल प्लस इसको कुछ नहीं कर सकते माइनस ये 3 बाहर और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सबका इंटीग्रल अलग अलग लिख दिया और कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल ली। अब चलिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस का कॉस एक्स 7 ये रहा ऐसे माइनस का 7 कॉस एक्स एक माइनस ये रहा 8 ऐसे कैसा 1 अपॉन एक्स का आपको बताया था मैंने लॉग एक्स, आप ऐसे करके लिखना देखो इसको लॉग और साथ में मोड एक्स, वो क्यों क्योंकि ना अगर एक्स आपने ऐसे छोड़ दिया तो हमें तो पता है कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के लिए, पता है ना लॉग के साथ वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती,
इसलिए हम मोड लगा देते हैं यहाँ पर। आंसर में आपको मोड लगे हुए मिलेंगे, हालांकि अभी कोई टेंशन नहीं है हमें इस चीज की, लेकिन मोड लगा के छोड़ना, आपको आंसर में भी लगे हुए मिलेंगे। चैप्टर की शुरुआत में डाल लोगे ना आदत, तो एंड तक आदत पड़ी रहेगी। जब भी आपका इंटीग्रेशन करोगे 1/x टाइप का, तो लॉग और साथ में मोड एक्स, ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे बस हमेशा। प्लस 4 की पावर x का अपॉन में आ जाएगा लॉग 4, जो मल्टीप्लाई में आता था -3 ऐसा कैसा। अब बताओ क्या कॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल पता है हमको? ये सोचो, छोड़ो 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 छोड़ो, अगर आपको पीछे पलटना पड़ रहा है छोड़ो उस चीज को। ये सोचो क्या किसी का डेरिवेटिव करने पर, क्या कभी किसी का डेरिवेटिव करने पर क्वार्टर स्क्वायर आता था? सोचो, किसी का भी डेरिवेटिव करने पर क्या क्वार्टर स्क्वायर आता था? नहीं। सेकंड स्क्वायर आता था या फिर कोसेक स्क्वायर आता था? वो दोनों होते तो हम डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता एक काम कर सकते हैं हम। इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग अगर ऐसे लिख लें, आइडेंटिटी यूज कर लें कोसेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का। सोचो तो किसका डेरिवेटिव होता था कोसेक स्क्वायर एक्स? कॉट का, तो इसका इंटीग्रेशन भी तो कॉट ही होगा। और 1 किसका डेरिवेटिव करने पे 1 आया करता था? कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 1 आया करता था ना, लॉग ही का डेरिवेटिव 1 नहीं, लॉग ही की तो वैल्यू अपने आप 1 होती थी। किसका डेरिवेटिव करने पे 1 आया करता था? तो एक्स का डेरिवेटिव बोल लो ना, एक्स का डेरिवेटिव करने भी बनाता था, तो 1 का इंटीग्रेशन करने पर भी। तो ये माइनस का 7 cos x, माइनस का 8 log mod x, प्लस 4 की पावर x अपॉन log 4, -3 ऐसे के ऐसा। कोसेक स्क्वायर एक्स का तो क्या माइनस का लिख लो कॉट एक्स, और माइनस का ही। अब देखो होता क्या, हमने यहां किया इंटीग्रेशन, एक प्लस सी यहां था, एक यहां था, सबके पास अलग अलग प्लस सी आता। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इकट्ठे अलग अलग सी ना लगा के एक लास्ट में लगा देते हैं बिल्कुल सी बस, क्योंकि तो वो जो इसके पास आए होंगे सारे कॉन्स्टेंट, वो सब भी तो प्लस या माइनस होकर नया क्वेश्चन बना दिया होगा उन सब ने भी, तो एक इसलिए प्लस सी लगा देते हैं बाद में बस एक। अगर आप इनडेफिनेट के किसी क्वेश्चन में इसे लगाना भूल जाओ तो कोई तकलीफ की बात नहीं, नंबर नहीं कटते सीबीएसई में। लेकिन अगर डेफिनेट के किसी क्वेश्चन में आप इसे लगाना भूल जाओ, थ्रेड निकलेगी ना फिर वहां पर। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें जब यहां से 0 से 1 या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 दे रखा होता है, तो हमें प्लस सी लगाना नहीं पड़ता। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जिनमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा खुद, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी तो लगाएंगे लगाएंगे, उस जगह पे प्लस सी लगाना भूल गए अगर आप, तो वहां पर ना उस सी की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है हमको। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होती है सी की वैल्यू ढूंढने के लिए, और आपने सी लगाया ही नहीं होगा तो क्या ही ढूंढेंगे फिर हम। इसलिए प्रैक्टिस यहीं से जानी चाहिए इंडेफिनेट से कि सी लगने हैं साथ में। अगर यहां प्रैक्टिस नहीं हुई तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे सी लगाना याद नहीं रहेंगे आपको। बोलिए सही है, आप चाहो तो इस वाले माइनस से प्लस कर लो और इस वाले माइनस से प्लस कर लो, और नहीं तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनल आंसर है हमारा। एक और देखें, देखो मैं आपसे कह रहा हूं इंटीग्रेशन में आप तक जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मैथ के, वो सब काम हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में आपने अब तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे काम आ जाएंगे। कौन से फॉर्मूले? जो बेसिक फॉर्मूले आपको किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में काम आते थे। कैसे देखते हैं जरा लो। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रल है √x प्लस 1/√x के होल स्क्वायर का, मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो केवल उसके इंटीग्रेशन मालूम है जो हमारे डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले थे। तो हम एक काम करते हैं, हमारे जो पुराना तरीका था सिंप्लीफाई करने का वो क्या था, a+b का होल स्क्वायर खोलते हैं। इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अभी हम, केवल होल स्क्वायर खोलते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, और प्लस का 2 बस। अब देखें क्या आप सारे फॉर्मूले पता है, क्या आपको एक्स का इंटीग्रेशन पता है? अब एक्स की पावर 1 होगी, ये कुछ नहीं है तो, और एक्स की पावर 1 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। एक्स की पावर एन वाला लगाओ ना फॉर्मूला, n+1 अपॉन में वही n+1, सही बात है। यहां कहां करा, ये 1/x है हाँ, तो यहां भी करेंगे अभी, यहां पर 2 का
हाँ वो वहां पे यहाँ एक्स है और वो वन था, दोनों चीजें अलग अलग हैं। नमस्ते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है चलिए। अरे हाँ, अब वन अपॉन एक्स का बताओ इंटीग्रेशन क्या था, लॉग एक्स। आप ना एक एक गलती मत करना, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर वन का एक्स की पावर वाला लगा दिया फॉर्मूला हमने, कुछ बच्चे यहाँ भी लगा देते हैं एक्स की पावर इसे ऊपर ले जाके, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर -1। अब अगर हमने यहाँ पर एक्स की पावर वाला फॉर्मूला लगाया, देखो क्या गड़बड़ोगी, क्या आएगा एक्स की पावर -1 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 0। नीचे 0 आते ही आपको चल जाएगा पता कि इस जगह पर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तब भी ध्यान नहीं आया कि वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन फिर। तो वन अपॉन एक्स वाले में कभी भी एक्स की पावर एन वाला मत लगा के आना, ठीक है। लॉग एक्स प्लस टू का बताओ क्या होगा, जीरो कैसे हो जाएगा मैडम। ये सोचो कि किसका डेरिवेटिव टू आया करता था, टू एक्स का, टू एक्स का ही डेरिवेटिव टू आया करता था, तो फिर टू का इंटीग्रल टू एक्स ही तो आएगा। किसी भी चीज का इंडिकेशन जीरो नहीं होगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लेना यहां पर। ओ मैडम इंडिकेशन वाला लगा, इंडिकेशन वाला लगा, ऊपर ही जाएगा वन, आगे नहीं जानेगा। बताओ कोई समस्या, कुछ दिन कंफ्यूजन होगी, कुछ दिन डेरिवेटिव और इंडिकेशन के फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगी, लेकिन कुछ दिन होगी बस, फिर जब रेगुलरली करने शुरू कर दोगे तो नहीं होगी। एक और लिखें, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए, x³ + 1 अपॉन एक्स, इसका इंडिकेशन करने को दिया जाए, तो एक तरीका तो क्या है, एक बार इसके नीचे से कर लो, एक बार वन के नीचे से कर लो, एक तरीका। ठीक है, एक और तरीका है हमारा लॉन्ग डिवीजन, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने वाला काम भी तो कर सकते हो, आया ना। भले ही इस क्वेश्चन में जो आसान काम है वो सेपरेट करने वाला है, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते। अभी वो क्वेश्चन आएंगे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाले, ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा और नीचे लीनियर x+1 मिल जाएगा या क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, उस केस में आप सेपरेट नहीं कर पाओगे जैसे यहाँ सेपरेट कर ले रहे हो। यहाँ पे सेपरेट करने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अपॉन में एक्स अकेला है, अगर नीचे भी आपको दो या तीन वैल्यू एडिशन में मिल जाए तो आप सेपरेट करके खुश नहीं हो पाओगे, वहां पर तो लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा। ये वाली लेके जाओ, ये वाली यहाँ प्लास्टिक वाली, ध्यान रहेगी बात। तो अगर इसको सेपरेट करते हैं हम, तो x³ / 1/x यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, और x² का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ बचा 1/x, और 1/x का लॉग एक्स, और एक प्लस का सी। सही है, रब करें। देखो जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अब डेरिवेटिव करना होता है इसका, तो हम क्वेश्चन टूल लगा सकते थे, लेकिन यहां तो नहीं लगाया क्वेश्चन टूल, आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करे, पुराने तरीके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के हुआ करते थे आपने वो लगाए, एक बार इसके नीचे कर लो, एक बार इसके नीचे कर लो। अब शुरू के कुछ दिन इंटीग्रेशन यही वाली चलने वाली, तुम्हारी सारे तरीके तुम्हारे पुराने वाले वही काम आएंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है चलिए, अब एक क्वेश्चन करें, अगर अगर एक क्वेश्चन मिलता ए की पावर में लॉग एक्स टू द बेस ए और आगे 3, अगर ये क्वेश्चन मिलता तो कैसे करते हैं इसको, हम लॉग से बच रहे हो ना तुम, देखो कैसे बचोगे, देखें 11th 12th साइंस वाले लॉग से नहीं बच सकते, भले सिलेबस में है लॉग भले नहीं है, जब तक तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी नहीं बताओगी लॉग की, तब तक तुम इसे जमीन भी नहीं ला सकते, तब तक इंडिकेशन नहीं होगा। ये बेस में ना ए है, ठीक है ना, ये वाला ए सेम है। अब तुम्हें ध्यान आ रहा है, कोई लॉग की प्रॉपर्टी देख के इसको, बिना लॉग की प्रॉपर्टी लगाए तो इंडिकेशन होने का नहीं, ये मत कहना टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ बोथ साइड में कुछ नहीं है, एक ही साइड है बस यही, तो टेकिंग लॉग जैसी चीज कोई नहीं आएगी इसके अंदर। बताओ कैसे करोगे शुरुआत इसकी, वो एक्स मानने वाला सिस्टम है नहीं ना हमारे पास, अभी चेन रूल जिसे कहते हैं हम, इंडिकेशन में चेन रूल तो है ही नहीं अभी, तो अभी तो नहीं है। 3 log x अपॉन क्या, तो वो तो ये होता log x अपॉन log a, और ये a की पावर जब तक रही रहेगी
तब तक उसको करने का कोई फायदा नहीं है। पहले सोचो कि किस तरीके से, क्योंकि इंडिकेशन कैसे करना है एक्स वाले टर्म का, ये सारे तो एक तरह से कॉन्स्टेंट ही है, तब तक ये सारे हटेंगे नहीं, तब तक आप इसका इंडिकेशन कैसे करोगे एक्स का? तो ऐसा कोई तरीका ढूंढो इससे एक्स जमीन पे आए, पावर में चढ़े चढ़े इसका इंडिकेशन नहीं होने का की प्रॉपर्टी से। हम जानते हैं कि ये ए है, अगर इस थ्री को हम लिख सकते हैं लॉग के साथ जो एक्स होता है उसकी पावर आगे आती है तो आगे से वापस जा सकती है, चली गई वापस। अब हमें एक प्रॉपर्टी बताया लॉग की, जिसमें अगर बेस में ए है उसकी पावर में लॉग है और लॉग का बेस फिर ए है, ये दोनों ए सेम होने के चक्कर में ये हिस्सा गायब हो जाता है, केवल बचता है एक्स क्यूब। लॉग की प्रॉपर्टी ऐसा कैसे होता है पता नहीं थी, नहीं पता ना क्या, नहीं पता थी ना तुम्हें, इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम लोग उस वीडियो को देखने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी को नोट नहीं करना चाहते। एक लॉग की वीडियो भेजी हुई है, पहले से ही भेजी हुई सबको कि देखो उस प्रॉपर्टी को, सारे पॉइंट्स लिख लो, वो 8 या 9 पॉइंट्स हैं वीडियो में, बस पॉइंट्स यानी प्रॉपर्टीज हैं 8-9, कोई प्रॉपर्टी कहीं भी इस्तेमाल हो जाती है। अभी एक और कराऊंगा देखो, ऐसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, तो ये क्या प्रॉपर्टी हुई, यहां लिख लो साइड में, ए की पावर लॉग एक्स टू दी बेस ए, ये दोनों चीजें सेम हुई तो ये केवल बचता है एक्स, ये वाली वैल्यू। लेकिन उसके लिए ये वाला ए और लॉग के बेस वाला ए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 की पावर में लॉग है तो लॉग के बेस में यहाँ 5 होना चाहिए, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा एक्स। ये 3 अगर आगे आता तो लॉग क्या क्या आता है, बस एक्स की पावर 2 होती है, एक कम नहीं होती है, पूरी पावर आगे आती है। डेरिवेटिव नहीं कर रहे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है, लॉग की प्रॉपर्टी से पूरी पावर आगे आती है। डेरिवेटिव में बहुत बार कराया इसको काम, लॉग वाले काम को, तो केवल क्या बचा एक्स की पावर 3, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या आएगा, प्लस 3। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, कहीं भी इंटीग्रेशन दिख रहा है नहीं ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा हो तो क्वेश्चन, अब इसको देखने लग रहा है बहुत भयानक है, लेकिन सोचो सिंपल करके ना, सिंपलीफाई करके उसको छोटा छोटा सा हो जाएगा। इस कॉस्ट, ये कॉस्ट स्क्वायर एक्स नहीं है, ठीक है, ये कॉस्ट 2x है, और कॉस्ट 2x के मामले में ये वाली वैल्यू आती है कॉस्ट 2x के एक फॉर्मूले में, तो इसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अगर रहने दें ऐसे कर गई माइनस, यहां पे खोलते हैं कॉस्ट 2x वाला फॉर्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्लस का हो जाएगा अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसा, तो देखो 2 कॉस स्क्वायर से 2 कॉस स्क्वायर कट गया, केवल बचा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसका इंटीग्रेशन तो पता है हमको, किसका डेरिवेटिव, पीछे मत देखना, किसका डेरिवेटिव करने पे आता था, ये कॉट का डेरिवेटिव ना, लेकिन वो माइनस का कोसेक स्क्वायर आता था, तो इसके इंटीग्रेशन में भी तो फिर आप ऐसे सोचोगे ना, तो आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा बार बार फॉर्मूला देखने के लिए, किसका डेरिवेटिव करने पर ये आता था जी, कॉट के डेरिवेटिव में, तो बस इसका इंडिकेशन भी कॉट ही आएगा, लेकिन हाँ कॉट के डेरिवेटिव में एक माइनस भी आया करता था, तो यहाँ माइनस भी लगेगा, ये है सही। मैं उस टाइम जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ना, कुछ ऐसा लिखना चाह रहा था, इसमें देखो आप कुछ बाहर नहीं निकाल सकते, दोनों की पावर में एक्स है, इसका अलग फॉर्मूला मालूम है हमें एक, इसका अलग फॉर्मूला मालूम है, लेकिन जब ये अकेले अकेले हो तब, यानी प्लस माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई वाले केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हम एक के एक काम तो कर सकते हैं कि e और a दोनों की पावर x है, अगर ऐसे लिख लें इसकी पावर x इसकी पावर x। अब आपको पता है ना कि e अपने आप में कोई 2-3-4 वैल्यू होती है, e की तो वैल्यू 2.71 होती है, आगे चलती रहती है, और a भी 2-3-4 कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो वो दोनों इंटू होके भी तो एक नया कॉन्स्टेंट बनाएंगे, तो अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया है a की पावर एक्स वाला, क्योंकि तो ये भी एक कांस्टेंट होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, तब उस पूरे को a मान लेंगे। अब ये a की पावर एक्स वाला हमने लग सकता है, बताओ क्या होता है वो a की पावर एक्स वाला, अपॉन में log, यानी जहां जहां a आना है वहां वहां e और a इकट्ठे। अगर इसका इंडिकेशन बोला जाए कैसे करेंगे,
लॉग एक्स टू द बेस एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? ये वन होता है, यस, ये दोनों चीजें सेम है, लॉग के साथ वाली वैल्यू और उसका बेस अगर सेम है तो ये पूरी वैल्यू बन जाती है लॉग की प्रॉपर्टी से। और जब ये वन हो गया तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, देखिए एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता था। आ जाओ अगला, अगर क्वेश्चन मिले आपको ई की पावर में लॉग रूट एक्स अपॉन में एक्स, ऐसा मिल जाए तो क्या करेंगे भाई? ई की पावर में लॉग रूट एक्स और पूरे के अपॉन में एक्स, कैसे करा जाएगा इसका इंटीग्रेशन? हमने तो नहीं पढ़ा कोई फॉर्मूला ऐसा खतरनाक था एक्स की पावर का। हाँ आ सकता है, फायदा फायदा बताओ, आगे तो आ जाएगा नो डाउट, कुछ भी नहीं आनी है, सब पुरानी चीजें काम आ रही है, अभी तक तो तुमने देख लिया होगा सब पुराना पढ़ा हुआ काम आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में ही पुराना पढ़ा हुआ ही कुछ काम आने वाला है, कुछ भी नया नहीं है। ये e की पावर में log और log के बेस में कुछ नाम का मतलब e, तो फिर गायब। अभी तो बताई थी प्रॉपर्टी a की पावर में, अब यहां log के बेस में कुछ नहीं दिख रहा तो अपने आप ध्यान नहीं आ रहा कि वहां e होगा, मैच चल रही है, ये e और बेस में e, फिर गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सारा, केवल क्या बचेगा रूट एक्स अपॉन एक्स, रूट एक्स अपॉन एक्स यानी यानी x की पावर माइनस के 1 बाई टू का इंटीग्रल, बताओ क्या आएगा? चेक करो हमने लगाओ x की पावर n वाला, क्या ये 2 रूट एक्स आ रहा है? चेक करो x की पावर n वाला लगाओ फॉर्मूला, इसमें क्या इसका इंटीग्रेशन आया, ये चेक कर लिया? तो जैसे हमने डेरिवेटिव में याद किया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स हुआ करता था, तो क्या हम 1 अपॉन, अरे यहां देख लो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लेंगे? ठीक है, डेरिवेटिव में भी याद किया था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में भी याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, बार बार एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ने का पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? अगला देखते हैं, देखो ये एक नई प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी क्या है, पहले क्वेश्चन देखो, टू की पावर लॉग एक्स, और कुछ ना होने का मतलब ई है, ये अब ये अगर a है तो ये x तो नहीं है, क्योंकि साथ में log भी तो है, तो a की पावर x बन नहीं सकता, ये 2 और ये e भी सेम नहीं है, जब हम इसे पूरे को गैप करते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं लगती, log के साथ में ये दोनों वैल्यू भी सेम नहीं है तो वो वाली भी नहीं लगती, तीन चार प्रॉपर्टी चेक कर ली ना अभी हाल फिलहाल में हमने log log की, वो नहीं लग रही, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिसमें होता क्या है, ये 2 और ये x स्वैप कर सकते हैं हम लोग, स्वैप मतलब क्या, यानी कि इसी वैल्यू को हम लोग x की पावर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये x आ गया यहां और ये 2 चला गया वहां पर, अब ये x की पावर log 2 पूरी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये n की तरह ट्रीट हो सकता है x की पावर n, और x की पावर n का हमारे पास तो फॉर्मूला है, है ना? तो ये फॉर्मूली नोट, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये ध्यान रखने वाली है, और शायद ये प्रॉपर्टी तो उस वीडियो में भी नहीं दिखा रखी मैंने, क्योंकि ये इस्तेमाल ही ऐसे एक दो क्वेश्चन में होती है, बाकी तो कभी इस्तेमाल होती नहीं कि ये स्वैप कर ली जाए दो चीजें, और जरूरत क्यों पड़ी स्वैप करने की, चल गया ना पता, क्योंकि लॉग की कोई और प्रॉपर्टी काम आ ही नहीं रही थी, ए की पावर एक्स वाला कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा हमारे पास, इसलिए एक प्रॉपर्टी पता चली कि ये दोनों चीजें स्वैप हो सकती हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है मैडम, इंटीग्रेशन कहां कर रहा हमने उस टाइम पे, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, दोनों चीजें स्वैप करने वाली, ठीक है? अगला देखते हैं लोग, इतने इतने से काम में आरडी की पहले साइज हो गई इन्हीं किसी काम में, बस यानी कह सकते हैं हमने केवल अभी इंट्रोडक्शन देखा है इंटीग्रेशन का और आरडी की पहले साइज हो गई। अब दूसरी देखते हैं, देखो जो अभी हमने होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे, सेपरेट करने वाले किए थे ना, वो सब उसमें होंगे। अब ये दिख रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक क्वेश्चन। अगले में दिख रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन।
ये दो क्वेश्चन करने हैं, तो इसे कैसे करा जाएगा? पहले ऊपर वाले का उल्टा खोल दें और फिर सेपरेट कर दें, है ना? तो क्या बनेगा? ए का स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स बनेगी पहली टर्म, अगला क्या बनेगा? बी का स्क्वायर अपॉन एक्स यानी वन प्लस टू रूट एक्स अपॉन एक्स बनेगा, यानी वो क्या बन जाएगा? टू रूट एक्स या फिर टू अपॉन रूट एक्स। आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखो सबका वहां पे भले नहीं हो रहा था, टू ए बी वाली टर्म क्या अपॉन एक्स आएगा, तो टू ए बी वाली टर्म टू रूट एक्स आएगी, ठीक है। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते थे लॉग एक्स, वन का जानते हम एक्स प्लस, ये टू ऐसे कैसा? वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी तुम्हें याद करवाया टू रूट एक्स, एक टू पहले से है यहां पर, तो फोर रूट एक्स प्लस थ्री, सही है क्या? फिर उल्टा बोलिए कुछ, ये सोचिए जरा लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहां पर ऊपर तीन वैल्यू के बाद अपॉन में केवल एक एक्स होता, जैसे यहां पे सेपरेट किया वैसे वहां भी कर लेते, है ना? जोशी जी आप इधर कहां अटके हुए हो, अभी भी उधर ही देख रहे हो? इसमें कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, नहीं ना? तो इसमें आपको लगता है एक दो तीन वैल्यू है, तो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे करके फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर क्या करा जाए? डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन करो, सबको आता है, बच नहीं सकते। इस वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं बड़ी वाली को, और इसे बाहर रखो, देखो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, करो करो जल्दी करो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा शायद, एक्स स्क्वायर पे करने पे शायद वन आ रहा रिमाइंडर। तीन वैल्यू आएंगी मैडम, दो कैसे बची हैं आपकी यहाँ, एक और एक दो। जब आप किसी भी चीज की इन तीनों में करोगे, तीनों में इंटू होती ना। अच्छा उधर है, उतार फिर से उसे, देखो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो नहीं आ रहा? अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो कन्फर्म है कि हम लोग डिवाइड करना भूल चुके हैं। बच्चों वाली चीज है ना ये, बच्चों वाली, और हम हो गए हैं बड़े। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फिर क्यों करा, चेक कर रही जब मैं कह रहा था जीरो आ रहा था, तो बता ऐसा कुछ करते थे ना? अगर सेवन को टू से डिवाइड किया तो थ्री टाइम जाने पे वन, तो सेवन यानी इसे क्या लिखते थे हम, टू इंटू थ्री और प्लस वन लिखते थे इस तरीके से, इसे बता बीच वाली वैल्यू को, ये इंटू ये बता क्या आएगा, ये इंटू ये, एक तो ये खुद ही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और एक आ रहा होगा देख एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टाइम। तू मुझे बता ये दोनों चीजें क्या क्या आ रही हैं तेरी, एक तो यही होगा जो क्वेश्चन था, ये क्या आया इधर वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री महाराज आया जीरो, तो बताओ जरा ये वाली वैल्यू, एक तो क्वेश्चन है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अभी तो कह रही बना रहा यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं प्लस का ही आएंगे, अजीब बात है यार। अब मैं डिवाइड सिखाऊं तुम्हें, बताओ ट्वेल्थ वालों को ना। अगर ट्वेल्थ वालों को डिवाइड सिखाना पड़े तो काम कैसे चलेगा भाई? अपॉन में तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन चल ही रहा था, तो ये पूरी वैल्यू से ये पूरी कट गई, बचा केवल एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं सबका, एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स प्लस थ्री। बस तुमसे डिवाइड नहीं हो रहा, अभी तो लिखा था यहाँ पे सेवन वाला कॉन्सेप्ट, सेवन को क्या लिखते हैं टू इंटू थ्री, तो इस बीच वाली वैल्यू को क्या लिखेगी जिससे डिवाइड किया वो, यानी डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट, और प्लस रिमाइंडर करते वो जीरो है, तो उसे प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। अभी छुट्टी के बाद कोई नम्रता को भी याद दिला देना, कुछ भूल गई है। जोशी जी तुम्हारा भी आ गया, आरंभिका मैडम आपका आ गया, नहीं इन दोनों को याद दिला देना ठीक है, जो भी रुकेगा। नितिका है तेरा आ गया जीरो, ऐसा तेरा भी आ गया, बस ठीक है। तुम्हें ये समझ में आ गया मैंने ये इंटू ये क्यों लिखा? हाँ टेंथ में तो पढ़ा था,
सबसे पहले चैप्टर में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उस वाले तरीके से लिख दिया ऊपर वाली वैल्यू केवल, ये पूरी पूरे से कट गई। ठीक है जी, मैंने कहा ना सारी चीजें ऑलमोस्ट शुरू की कुछ एक्सरसाइजेस में सारी चीजें पुरानी काम आएंगी, और ये भी एक पुरानी चीज ही है जो तुम भूल चुके थे बस। अरे आरंभिका जी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएगी थोड़ी देर में सहेली, यहां तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जो तुम चेक करो मैंने तो उसका आगे काम कर रखा बस, तो मैच करने लायक है ही नहीं इसमें कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा मिले, रूट के अंदर 1 प्लस cos 2x, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? cos 2x का फॉर्मूला खोल के, बिल्कुल सही बात है जोशी जी की। तो जोशी जी आप ही आगे कर दो पूरा, बताओ वन ऐसे कैसा, कौन सा वाला खोलूं, 2 cos² x - 1? ठीक है, इस 1 से 1 कट गया, ये 2 रूट के बाहर निकाल दो क्या, √2 बन जाएगा, और इंटीग्रल के भी तो बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रल के अंदर केवल क्या बचेगा, और cos का इंटीग्रल किस चीज का डेरिवेटिव cos आता था, साइन का ना, तो इसका इंटीग्रल खुद भी साइन तो आएगा, सही है। बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब तुम्हें ये सारी चीजें धीरे धीरे फिट हो जाएंगी दिमाग में। लो एक और देखते हैं, cos x - cos 2x upon 1 - cos x। अगर ये हो क्वेश्चन तो भाई पॉलिनोमियल होता तो हम डिवाइड करने की सोच लेते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री में तो डिवाइड भी नहीं होगा हमारा, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए, कौन सा पुराना तरीका यूज करना चाहेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? जबकि यूज तो पुराना तरीका ही होना है कोई सा, इस बार कौन सा तरीका आपके हिसाब से फिट हो सकता है? यहाँ पर ये टर्म पहले से कॉस किया, तो यहां पर अगर कॉस का आप कॉस वाला ही फॉर्मूला खोल लो, वो साइन प्लस का चेंज हो जाएगा ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ऊपर वाली, थोड़ी देर के लिए कॉस एक्स को ए मान लो, तो ये ए -2a² + 1 है, और इसको रीअरेंज करें माइनस कॉमन लेके, माइनस को बाहर करें तो ये 2 cos² x माइनस का cos x और माइनस का 1, ऐसा कुछ बनेगा अपॉन में, तो ठीक है 1 - cos x ऐसे कैसा। अब बताओ आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2a² - a - 1 स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से बताओ फैक्टर क्या क्या आएंगे, कहीं लिख लो साइड में 2a² - a - 1 स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाओ इसमें, बताओ दो फैक्टर क्या आ रहे हैं, वैल्यू नहीं निकालनी, फैक्टर बताओ फैक्टर, ध्यान से देखना उन दोनों में एक फैक्टर ये भी आएगा जो डिनोमिनेटर में चल रहा है 1 - cos x, अगर नहीं आया तो तुमने स्प्लिटिंग गलत कर दी, बताओ फैक्टर। अरे मैडम ऐसे पेयर बताओ, ब्रैकेट वैल्यू में बताओ मुझे निकाल के, कोई बात नहीं साइन उल्टे की टेंशन, माइनस है हमारे पास एक 2 cos x + 1 और ये, और अपॉन में 1 - cos x चल ही रहा है और इंटीग्रल और बाहर माइनस है, ऐसा बोले भाई बच्चे सब सहमत हैं? इस माइनस को अगर आपने वापस भेज दिया तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, या इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर गया तो बना देगा 1 - cos x, उल्टा हो जाएगा ना साइन इसका, अब वो इससे पूरा कट जाएगा ये और ये माइनस कट गए, तो बचा केवल 2 cos x + 1, और 2 cos x + 1 का इंटीग्रेशन बोलना शुरू करो, 2 ऐसे कैसा कॉसेस क्या, माइनस क्यों मैडम, आप ये सोचो किसका डेरिवेटिव आता था कॉस एक्स, साइन का आता था ना, है कहीं माइनस आसपास, जब साइन का डेरिवेटिव कॉस आया करता था तो कॉस का इंटीग्रल साइन आना चाहिए ना, ये रहा ये 2 ऐसे कैसा, और 1 का हो गया एक्स और प्लस का सी, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आ रहा है, तो इसमें भी कोई नया फॉर्मूला लगा। आपने एक चीज नोट करी कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का काम तो लास्ट स्टेप में आया, बाकी सारा काम तो पुराना सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है। अब जिस बच्चे के भी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, ये सिंप्लीफाई वाला काम, देखो ना 3 क्वेश्चन लिखे हैं यहां पर, 1 2 3,
इन तीनों में इंडिकेशन लास्ट स्टेप में हो रहे हैं बस, या कह लो जितने क्वेश्चन आज करे उन सब में इंडिकेशन तो लास्ट स्टेप में हो रहे हैं बस, उससे पहले तो सारे काम सिंप्लीफिकेशन के हैं, तो हमें वो सिंप्लीफिकेशन ही सीखना है बस। जितनी ज्यादा चीजें आपको पुरानी ध्यान रहेंगी उतनी जल्दी इंडिकेशन में आप साफ हो जाएगा आपका। जी अगर अगला क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा है, ऊपर केवल डी एक्स यानी वन और नीचे आ जाए साइन एक्स कॉस एक्स, सोचिए, या फिर एक काम करो स्क्वायर कर लो इन दोनों को और थोड़ा आसान हो जाएगा ना। अच्छा वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेंगे वो। चला लो जी तीन क्वेश्चन लिख दिए, इसकी बात करें अगर। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना आसान है कि तुम भी कहोगे कि कितनी मतलब सिल्ली सी चीज में हम अटके हुए थे जब मैं बता दूंगा, लेकिन जब तक वो चीज ध्यान नहीं आती ये क्वेश्चन पहाड़ बना रहता है पहाड़ बच्चों के लिए। हमें समस्या तब आती है जब नीचे वैल्यू मिल जाती है ऊपर नहीं मिलती, तो हमने क्या करा ऊपर वाले वन को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, बताओ है ना सही मायने में बहुत ही सिल्ली सी थिंग। अब अगर आपने एक बार इसके नीचे से लिखा तो क्या होगा, कट जाएगा ना, वन अपॉन क्या बचेगा केवल कॉस स्क्वायर है जिसे बोलोगे आप, ऐसे ही जब इसके नीचे से लिखोगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा केवल क्या बचेगा साइन स्क्वायर जिसे लिखोगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन इतना सा बन गया, क्या sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है आपको, बता दो जरा मुझे सर, क्या किसी चीज का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, हाँ tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी tan x होगा। किसी का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर होता है cot का, लेकिन माइनस है cosec स्क्वायर तो cosec स्क्वायर का भी तो माइनस का आ गया ना आसानी से आंसर। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो तुम्हारे लिए, फिर इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए छोड़ दूं, यही काम करना है लेकिन sec स्क्वायर नहीं बनेगा, खुद सोचना क्या बनेगा, छोड़ दूं तुम्हारे लिए। चलो इसे आओ जरा, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहेंगे, वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को है कोई पुरानी तरकीब ध्यान कि नीचे से प्लस माइनस को हटा के किस तरीके से ऊपर लाई जाए वैल्यू, या फिर नीचे से प्लस माइनस हटा दें बस रेशनलाइज। चलो रेशनलाइज करें क्या, अगर रेशनलाइज करते तो वन अपॉन में वन प्लस साइन एक्स जो था ये वन माइनस साइन एक्स होता, ऐसे होता ना, ऊपर तो बन गया वन माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, क्या रेशनलाइज का फायदा हुआ, क्या रेशनलाइज का फायदा हुआ बताओ कैसे हुआ, एक बार वन के नीचे लिखते तो sec स्क्वायर आता, साइन के नीचे लिखते तो साइन अपॉन कॉस एक तो बनता टेन एक्स, एक वन अपॉन कॉस बनता, क्या नहीं हुआ फायदा, हो तो क्या फायदा। अगर आपकी किसी भी तिकड़म से जो लास्ट स्टेप पहुंचे हो आप वो इंटीग्रेशन की फॉर्म्स आपको बनी भी दिख रही हैं, तो यानी आपने सफलतापूर्वक सिंप्लीफाई कर लिया उसको। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है tan x होता है माइनस tan x, sec किसका डेरिवेटिव हुआ करता था sec का, तो इसका इंटीग्रेशन भी फिर ही आएगा, आएगा ध्यान, ये नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, देख के इसको साइन कॉस में चेंज कर लो तो बताओ क्या बनेगा, ऊपर बनेगा वन वो तो कट जाएगा ना कॉस स्क्वायर दोनों कॉस एलसीएम लेके, ऊपर बनेगा वन नीचे बनेगा वन प्लस यानी वो क्या बात है, इसको साइन कॉस में चेंज करने पर क्वेश्चन वो बन जाएगा जो लिखा हुआ है। बोलिए एक तरीका और भी है करने का, फिर उसे अगर इसको साइन कॉस में चेंज करें तो इसे करने का एक तरीका और भी है, रेशनलाइज यहां भी कर सकते हैं। देखो सोचो रेशनलाइज जब हम इसके उल्टे साइन से करते हैं ना,
तो ऊपर तो ठीक है, नीचे क्या बनेगा इन दोनों के इनटू के फिर, यानी वन। जब आप इसकी कंजुगेट से यानी sec x - tan x करोगे तो a plus b a minus b यानी sec x plus tan x, sec x minus tan x बन जाएगा a square minus b square यानी sec square x minus tan square, जो कि होता है वन। डिनोमिनेटर गायब, और डिनोमिनेटर गायब का मतलब ऊपर क्या बचेगा केवल sec x के इनटू में sec x माइनस का tan x। बताओ अब एक बार इसकी इसमें इनटू हुई तो sec square x, इसकी इसमें हुई तो ठीक है, ये अभी किया नहीं देखो sec square x माइनस sec tan x किया रहा, आंसर तो वही आ गया फिर से tan x माइनस sec x प्लस c। दो तरीके हो गए ना एक ही क्वेश्चन करने के। इसे सोचो, इस साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को देखिए कुछ याद आ रहा है टेंथ क्लास का, अगर टेंथ वो जो 2 साल पहले करी थी आ रहा क्या ध्यान कुछ, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को देख के क्या कह रही, बाद में आ जाएगा ध्यान मेरे कराने के बाद। बोलो बोलो बोलो, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 आ रहा है क्या ध्यान, मैंने टेंथ में याद भी करवाया था बच्चों को और कहा था इसकी वैल्यू होती है, तो ध्यान रख लेना साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख ले दक्ष, ऐसी होती है ट्रिक, याद है तो क्वेश्चन खत्म और याद नहीं है तो लगे रहो बस। ये था उस टाइम टेंथ में जिस टाइम मैंने कहा था कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की वैल्यू याद कर लो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होती है ये। ऐसे ही साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की भी होती है, आए तो याद नहीं, 1 माइनस यहां पे 2 आ जाता है बस। अब तुम लिख लो कॉपी के ऊपर या साइड में कहीं जगह बना के लिख लो, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अरे ठीक है, ऐसी साइन की पावर 4 एक्स प्लस कॉस की पावर 4 में बस यहां पे 1 के बाद माइनस में 2 आ जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कोई अंतर नहीं आता। टेंथ में इन क्वेश्चंस के डेरिवेशन थे, यानी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन थे ये, प्रूफ दैट वाले। उस टाइम मैं बच्चों को लिखवा देता हूँ कि नहीं याद रख लो, भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। तो अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अगर इसकी वैल्यू आपको ये याद है बस यहाँ 2 आ जाएगा ये, ठीक है अगर आपको ये याद है तो एक बार इस 1 के नीचे लिखो, देख रहे हो एक बार इस 1 के नीचे दोनों आ जाएंगे, ये लिख के दिखाऊं क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, जब आप एक बार इस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे इसके करोगे तो क्या बचेगा, 3 केवल, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या 3x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे पहले कैसे किया था, बस एक को ध्यान आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, रेशलाइज मैडम तब करते जब नीचे प्लस माइनस तो इस 1 को, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत ही खत्म क्वेश्चन है ये वाला, बस बस हमें याद नहीं रखती इसकी ट्रिक कि ऊपर वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, इतनी खत्म सी चीज होती है कि हम इसे भूल जाते हैं बार बार। इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री भर भर के मिलेगी, आइडिया लग गया होगा तुम्हें, आज एलजेब्रा वाले क्वेश्चन कम हो रहे हैं, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री वाले भरे पड़े हैं, हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री देखो, तीनों ट्रिग्नोमेट्री के, इससे पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसे आती है उसे कैलकुलस अपने आप ही अच्छा लगेगा, लेकिन जिसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो बेचारा परेशान रहता है बार बार बार, फिर वो एक ही दुआ मांगता है भगवान से, कोई मुझे एनसीईआरटी करवा दे, कोई मुझे एनसीईआरटी करवा दे, ताकि अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मैं करता हूं उसे, वो भगवान से भी यही दुआ मांगते रहता है, भगवान एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देना पेपर में। एनसीईआरटी के सारे मिला के 90-100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में पूरे इंटीग्रेशन के, और हम लोग करने वाले हैं कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन, तभी तो एक दिन में तुम्हें बोल रहा हूँ 50-100 क्वेश्चन करोगे तब जाके एक 1.5 महीने में खत्म हो ही जाएगा, और तभी मानना कि तुम्हें इंडिकेशन बढ़िया तरीके से आता है। तो आंसर क्या आया, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी, सही है। देखो एक क्वेश्चन मतलब देखने में लगेगा बहुत सिंपल सा,
होगा भी सिंपल ही, अभी तो हार्ड वाले चल ही नहीं रहे हमारे ना, तो सोचो कैसे होगा। देखो फोन में देखते रहो, 10x प्लस cotx प्लस secx प्लस cosx, ये क्वेश्चन है। 10x प्लस cotx प्लस secx प्लस cosx अपॉन में सब कुछ, और सारे प्लस में, जब तक ये अपॉन में सारी वैल्यू प्लस में रहेंगी हमारे लिए तो पीड़ा होती रहेगी हमें तो भाई, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते, इंटीग्रेशन हमारे लायक है नहीं अभी इस टाइम इसका क्वेश्चन में। सोचिए कैसे करेंगे, अगर केवल इन दोनों को सॉल्व करते हो ना आप, इन दोनों को, इसे साइन अपॉन कॉस, इसे कॉस अपॉन साइन, और उन दोनों का एलसीएम लेते हो तो 1 अपॉन में साइन एस कॉस आएगा, चेक कर लो, क्योंकि ऊपर बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, केवल इन दोनों के सॉल्व करने से ये बनेगा 1 अपॉन में साइन एस कॉस एक्स, इसको भी 1 अपॉन क्या लिखेंगे कॉस एक्स, इसको भी 1 अपॉन साइन एक्स, तो पूरे क्वेश्चन में अपॉन में साइन एस कॉस एक्स नहीं आ गया, वो साइन एस कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर एलसीएम लेके, तो अपॉन में क्या बचेगा, या तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, ऊपर तो आ गया साइन एक्स इंटू में जाएगा ना कॉस एक्स तो, और नीचे 1 प्लस ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे। प्रॉब्लम तो अभी भी वही है हमारे सामने, प्रॉब्लम तो अभी वही है कि नीचे वाली वैल्यू प्लस में दिख रही है हमको, हम इंटीग्रेशन अभी भी नहीं कर सकते, तो क्या ये करने का कुछ फायदा होता दिख रहा है आपको, ये दिख रहा, जब तक ये 3 प्लस दिख रहे हैं ना, 2 प्लस दिख रहे हैं, तो 3 वैल्यू प्लस में है, तब तक मैं तो कहता हूँ हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या ये साइन कॉस में चेंज करने का फायदा मिला, मुझे तो नहीं लग रहा। तो क्या इन दोनों की वजह से, इन दोनों की पेयरिंग बनाई हमने, क्या इसको किसी और के साथ लेते, जैसे इसमें 10 में साइन अपॉन कॉस होता तो इसको इसके साथ लेते अगर पेयरिंग, तो क्या होता, सोच के देखें, हमने इन दोनों इकट्ठे किया, इन दोनों इकट्ठे कर लिया, अगर इस 10 के साथ में सेक लेते तो या तो साइन अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस, तो एलसीएम लेके 1 प्लस ऐसे इन दोनों का एलसीएम लेते तो ये कॉस अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन, एलसीएम लेते साइन एक्स आता, और ये पूरा किसके होता है 1 के अपॉन में, क्या इसमें तुम्हें लग रहा है कुछ फायदा, क्योंकि अभी भी प्लस में तो यही सारी चीजें नीचे, एलसीएम मत लेना इसका, एलसीएम लेके तो फिर आ जाएगा, एलसीएम लिए बिना सोचो किस तरीके से अपॉन में जो प्लस है ना ये हटाने, क्योंकि जब तक आपके अपॉन में प्लस मिलते रहेंगे तब तक अपॉन में वाली वैल्यू बरकरार रहेगी, और जब तक अपॉन वाली वैल्यू बरकरार रहेगी आप इंटीग्रेशन के लायक नहीं होगे तब तक, तो नीचे वाली वैल्यू को हटाने का रेशनलाइज तरीका हो सकता है क्या, यहीं पर रेशनलाइज और यहीं पर रेशनलाइज तरीका हो सकता है क्या, अगर आपने यही रेशनलाइज किया तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां बचेगा कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, कितना फायदा है नहीं जाएगा ऊपर जब तक यहाँ पे एलसीएम ले जाए इस पूरे के साथ, ऊपर तो जाएगा ना जब इस पूरी लाइन के अपॉन वगैरह सेम होता जाएगी ऊपर, वो कोई बात नहीं कल सोचेंगे, कल क्या तुम सोचोगे, इस एक क्वेश्चन को दो तरीके हमने सोचे, अब तुम रेशनलाइज करो, सिंप्लीफाई करो, जैसे भी करो कुछ ऐसा इंतजाम करो कि जब हम एलसीएम लेना इसके तो नीचे वाली वैल्यू सारी प्लस में ना बचे, अगर एक वैल्यू आ जाती है अपॉन में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, यहाँ तो अपॉन में देखो 1 2 3 4 थी, यहाँ अपॉन में 1 2 3 थी, ऐसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करके अपॉन में एक वैल्यू बचे बस, ऊपर प्लस माइनस में कितनी वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर वो सेपरेट कर सकते होंगे ना हम लोग, ऐसे कुछ टिकट बढ़ाने की कोशिश करो, अगर नहीं बढ़ाई तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है ना, हाँ आ रहा कुछ ध्यान बता, यहीं पे अगर साइन एक्स कर दें तो क्या फायदा होगा, तो मैडम यही वाला बन जाएगा हिसाब, ये वाला वो साइन एक्स कॉस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, घूम के तब ऊपर चला जाएगा और वैल्यू बन जाएगी ये वाली, यहाँ पर एलसीएम के बाद ही जाएगा आएगा वही, इसलिए तो कह रहा हूँ सोचना, दिमाग का इस्तेमाल करना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, अभी मैं वो भेज रहा हूँ क्वेश्चन, घर पे भी 25-30 क्वेश्चन तो करोगे आज, परसों आओगे तो परसों तक करके आने,
मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, अगर हमें सारी आरडी करनी है, सारे क्वेश्चन कर पाने हैं इंडिकेशन के, तो हमें एक एक दिन में 30-40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, देख लियोगे तुमने आज भी। सिंप्लीफिकेशन वाले काम ही तो मेन है, बाद में इंडिकेशन तुरंत हो जाएगा। इसमें भी सिंप्लीफाई सोचना है कैसे करना है, बस आज 20 कर लिए हमने, देख लो जब हमने 20 कर लिए तो घर पे भी 20-25 तो कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, बंद करें क्लास आज की।